नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर मोहल्ले में दोस्त के घर के सामने एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को अवैध तमंचे से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर घर से निकले उसके साथी ने मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दिसोती गांव का निवासी था। फिलहाल पुलिस ने मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है और मौके पर मौजूद उसके साथी से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस की को वारदात की जगह से एक अवैध पिस्टल व मृतक की बाइक भी बरामद हुई है। क्या मामला आया है? एक लड़का आया 27 साल का अभिषेक सिंह, और उसको उसके साथी लोग बता रहे हैं कि उसने अपने आप को गोली मार दी। यहाँ मृत अवस्था में लाया था, अभी बॉडी मॉर्फिन में रखी हुई। क्या कंडीशन थी जब आया है? तो ब्रॉड गेट मृत अवस्था में। सर, अभी ये युवक की सुसाइड का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? करीब 10 बजे रात के आसपास की बात है। थाना मिल एरिया में तुलसीपुर मोहल्ले से एक सूचना थाने पर प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि अभिषेक नाम के व्यक्ति ने जो है वो गोली मार खुद को गोली मार ली है। और इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और उसने तत्काल इसको अस्पताल पहुंचाया, और जहां उसकी डेथ हो गई वहां घटनास्थल से एक रिवॉल्वर तमंचा बरामद हुआ है, और मृतक की मोटरसाइकिल भी वहाँ पर खड़ी थी। मृतक का नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जो अमावा क्षेत्र में रहने वाला है। सर, पूछताछ में क्या बात सामने आ रही, किस चीज़ को लेकर ये पूरी चीज़ को, इस वाक्य को अंजाम दिया गया? अभी पूछताछ इसमें जारी है। अभी उसके साथ जिस उसने जो ये घटने का अंजाम दिया है वो अपने एक दोस्त के घर के सामने दिया है। उस दोस्त से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है, और जैसे अभी जो सच्चाई होगी उसी के हिसाब से कार्रवाई। सर, जो चीज बरामद की गई है वो लाइसेंसी है कि जायदाद नहीं, से क्या बताया? देसी पिस्टल है, उसी से बताया जा रहा है। अभी हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम भी मौजूद है, उसने भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया है, और जो भी घटना हुई है उसके बारे में साक्ष्य भी। थैंक यू।